सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने कुकिंग चैनल में खुशामदीद कहती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपकी खिदमत में चिकन चीजी फुटबॉल रेसिपी लेकर आई हूं, लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। चलिए अब देखते हैं कि चिकन चीजी फुटबॉल रेसिपी के लिए हमें कौन सी जो इंग्रेडिएंट्स है रिक्वायर होंगी। इसके लिए आप देख सकते हैं कि मैंने एक प्याली जो है एक मीडियम प्याज मैंने चॉप कर लिया है, चिकन का कीमा लिया है, एक प्याली जो है वो मैंने प्रोसेस चीज को ग्रेट कर लिया है, 4 से 5 अदद मेरे पास ब्रेड स्लाइस है जिसके हम किनारे कट कर लिए हैं, एक अंडा, साथ में मैंने ये चीज स्लाइस लिए हैं, आप किसी भी अच्छी कंपनी के चीज स्लाइस ले लीजिएगा, 2 टेबलस्पून मैंने मैदा लिया है, 2 से 3 हरी मिर्चों को मैंने कट कर लिया है बारीक बारीक, 1 टेबलस्पून जो मैंने सुर्ख मिर्च पाउडर लिया है, आप चिली फ्लेक्स भी यूज कर सकते हैं, नमक हसबे जायका मैंने आधा चम्मच लिया है, गरम मसाला आधा चम्मच, थोड़ा सा धनिया कटा हुआ, इसके साथ मैंने 1 चम्मच जो है वो सोया सॉस लिया है और हमने 2 चम्मच जो है वो कॉर्नफ्लोर के लिए हैं। चलिए अब देखते हैं कि चिकन चीजी फुटबॉल किस तरह बनाए जाते हैं। इसके लिए मैंने एक प्रात लिया, खुले बर्तन में हम ये अपना चिकन ऐड करेंगे, चिकन कीमा, प्याज, हरा धनिया, गरम मसाला, सुर्ख मिर्च पाउडर, हरी मिर्चें, नमक, मैदा, कॉर्नफ्लोर, सोया सॉस, प्रोसेस चीज 1 कटोरी, इसके साथ ये देखें आप साबुत भी डाल सकते हैं, मैंने इसको एक एग को शामिल कर दिया। अब मैं इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब मैंने इन सारी चीजों को मिक्स कर लिया अच्छे से। अब हम इसको क्या करेंगे, 2 से 3 आवर्स जो है हम इसको मैरिनेट करने के लिए छोड़ देंगे फ्रिज में। ये देखें व्यूअर्स, अब इसको ऑलमोस्ट 3 घंटे हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, इनकी गोलियां बनानी है। चलिए अब गोलियां बनाते हैं। अब हमने बॉल्स बनाने के लिए देखें, मैंने हाथों पे थोड़ा सा घी ले लिया, आप ऑयल या घी जो आपके पास हो इस तरह से आपने अच्छे से इसको लगा लेना है और इस तरह से आपने पकड़ना है और ये एक गोल जो है वो बॉल आपने बना लेना है। पहले मैं सारे बॉल्स बना लूंगी, फिर उसके बाद हम लास्ट पर इसके ऊपर ब्रेड लगाएंगे। ये देखें गोल इस तरह हमने बनाने के बाद अब मैं इसी तरीके से जो है सारे बॉल्स रेडी कर लूंगी और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं लास्ट पर इसको हमने क्या करना है, फ्राई करना है। अब हमने ब्रेड के जो है वो क्यूब्स बनाने, ये आपके सामने 1-2 हम स्लाइस पकड़ते हैं, इसको आपने ये नाइफ की मदद से छोटे छोटे क्यूब्स की सूरत में आपने इसको कट कर लेना है। इस तरह से आपने इसको कट कर लेना है। चलिए जी, ये अब हमारे जितने क्यूब्स हैं ब्रेड के, इस तरह से आपने क्यूब्स बना लेने। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बताने लगी हूँ, ये मैंने चीज स्लाइस लिए हैं, इस तरह से आपने इसको ओपन कर लेना, ओपन करने के बाद इसको कट कर लेना और उसके बाद छोटे छोटे पीसेस में आपने इसको क्या कर देना, कट कर लेना। आप चाहें तो ये एक जो बॉल है उसमें 3 से 4 भी आप रख सकते हैं, एक भी रख सकते हैं, ये जिस तरह आपको पसंद हो उसके मुताबिक। अब चूंकि मुझे जो है वो चीज़ काफ़ी पसंद है तो मैं पिज़्ज़ा भी खाऊं तो एक्स्ट्रा टॉपिंग में खाती हूँ, तो मैं चीज़ का ज़रा ज़्यादा इस्तेमाल करने वाली हूँ।
अब ये हमारे जो चीज और स्लाइस क्यूब्स रेडी हैं। आपने अब क्या करना है, इसको हम करते हैं थोड़ा सा साइड पर, ये इसको मैं अपनी तरफ कर लेती हूँ, ये इस साइड पर आ जाएंगे। अब हमने क्या करना है, चीज के बॉल्स बनाने हैं। चीज बॉल बनाने के लिए मैंने क्या किया है, एक साथ साफ प्लेट ले लिया है, हाथों को हमने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है, ये आप देख सकते हैं ग्रीसी हो गया। अब मैं क्या करूंगी, ये मैंने थोड़ा सा चिकन लिया है, वो जो हमने मैरिनेट करके रखा था, ये देखें हो गया। अब हम इसको करेंगे फ्लैट, इसके अंदर ये मैंने ली चीज एक, ये मैंने ली दो, अब इसको कर देंगे इसके अंदर बंद। ये थोड़ा सा स्टिकी है, आपने इसको हाथों पे ऑयल लगा के, ये देखें जी मैंने इसको कर लिया, ऑयल लगा लिया और गोल गेंद बना लिया। अब आपने क्या करना है, ब्रेड के क्यूब्स लेने, इसके ऊपर लगाते जाने, इसको आपने अच्छे से जो है ब्रेड लगाकर डेकोर कर लेना है। अभी ये स्टिकी है, जहां जहां लगाते जाएंगे वहां वहां ये लगता जाएगा, कोई भी जगह जो है वो हमने खाली नहीं छोड़नी। अब आपने हल्के हल्के हाथों से इसको प्रेस कर लेना ताकि ये इसके अंदर अच्छे से जो है वो हमारा सेट हो जाए। ये देखें जी हमारा फुटबॉल जो ब्रेड का है वो बन गया है, अभी हमने अच्छे से प्रेस कर लिया था। अब मैं इसको रखूंगी साइड पर, और जिस तरह से मैंने ये बॉल रेडी किया है उसी तरह से मैं बाकी के तमाम जो बॉल्स को वो रेडी कर लूंगी, और रेडी करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, हमारे जो चिकन फुटबॉल्स हैं ये रेडी हो चुके हैं। अब मैंने क्या करना है, दूसरी तरफ एक कढ़ाई में घी लेकर उसको गर्म करने के लिए रख दूं मैं। चलिए अब हम इसको फ्राई करते हैं। ये देखें व्यूअर्स, अब हमारा जो ऑयल है वो मैंने इसको बहुत ज्यादा गर्म नहीं किया, लेकिन इसको हमने गर्म कर लिया। अपने लो टू मीडियम फ्लेम में अपने बॉल्स को फ्राई करना है। अब हम एक एक करके इसके अंदर ये बॉल्स ऐड करेंगे। जब तक इसकी एक साइड जो है वो गोल्डन नहीं होगी तब तक हम इसको पलटेंगे नहीं। आपने ये इसका ध्यान रखना है कि जैसे ये हल्का हल्का दोनों तरफ से सुनहरी गोल्डन हो जाएगा तो हम इसकी साइड चेंज करते जाएंगे, तभी ये पकेगा। देखें साइड इसकी गोल्डन हो रही है, जैसे जैसे गोल्डन होती जाएगी हम इसकी साइड चेंज करते जाएंगे। आपने बहुत ही एहतियात के साथ इसकी साइड चेंज करनी है। आपने इसको सारी साइडों से अच्छे तरीके से पका लेना है। आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसके इतना ऑयल लिया कि ये अच्छे से जो इसमें फ्राई हो। अब ये हमारे जो चिकन फुटबॉल्स हैं ये रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर नेक्स्ट डालूंगी और जिस तरह ये पकते जाएंगे हम इसको निकाल लेंगे। ये देखें व्यूअर्स, मैंने अपने फुटबॉल चिकन्स को डिश आउट कर लिया है और इसको हमने रायते की चटनी के साथ सर्व किया है। ये देखें अब हम इसको तोड़ते हैं। ये देखें चीजी कितना जबरदस्त और बहुत ही यमी इसका जायका आ रहा है, और आप देख सकते हैं कि जो चीज है वो इसमें फुली मेल्ट हो चुकी है। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो जो है वो कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह एक बार फिर नई रेसिपीज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, लेकिन जाने से पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। इंशाल्लाह एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, इसको घर पर ज़रूर ट्राई करें, हमें कमेंट्स में बताना मत भूलें कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। तब तक अपना ख्याल रखें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।